हेलो एवरीवन, मैं हूँ किंग्स। मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बार ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो फ्रेंड, बार ब्रैकेट के क्वेश्चंस मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सारा डिटेल में समझाऊंगी, बट आप मेरी वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है फ्रेंड्स, ब्रैकेट जो है वो चार तरीके की होती है। सबसे पहली है हमारे पास लाइन ब्रैकेट, दूसरी है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, तीसरी है हमारे पास मिडल ब्रैकेट एंड द फोर्थ वन इज द लार्ज ब्रैकेट। सो फ्रेंड, यहाँ पे लाइन ब्रैकेट को ही बार ब्रैकेट बोल दिया जाता है और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो फ्रेंड, बार में भी एक्स के ऊपर हो सकता है, एक्स वाई के ऊपर हो सकता है, एक्स वाई जेड के ऊपर हो सकता है। सो फ्रेंड, इसका मतलब है एक्स वाई जो है वो एक साथ ग्रुप में है, और अगर एक्स वाई जेड के ऊपर बार है, इसका मतलब एक्स वाई जेड ये तीनों के तीनों एक साथ एक ग्रुप में है। सो फ्रेंड, आगे बार ब्रैकेट तीन तरीके की होती है। सबसे पहली होती है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। सो फ्रेंड, इसका मतलब है कि अगर बार किसी भी पॉइंट के बाद आ रहा है, इट मींस कि वो नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि हमारे पास हमने ले लिया पॉइंट ए, ए ए जो बार बार रिपीट हो रहा है, ए ए ए अप टू इन्फिनिटी। अगर हम फ्रेंड इसको बार की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पॉइंट ए बार। अगर यहाँ पे हम ले लें ए बी सी रिपीट हो रहा है, ए बी सी अप टू इन्फिनिटी। अगर इसको हम बार की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट ए बी सी इसकी होल के ऊपर बार। सो फ्रेंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन नाइन, इसको ए बी अपॉन 99, इसको ए बी सी अपॉन 999। ये यहाँ पे 9 क्यों आया, यहाँ पे 9 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ए के ऊपर बार है। यहाँ पे 99 क्यों आया, यहाँ पे ए बी दोनों के ऊपर बार है। यहाँ पे 999 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी के ऊपर सबके ऊपर जो है वो बार है, इसलिए यहाँ पे 999 आया। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सारा डिटेल में समझाऊंगी कि यहाँ पे जो है 9 डिजिट ही क्यों आ रहा है, कोई और डिजिट क्यों नहीं आ रहा। सो फ्रेंड, इसी तरीके से हम ले लेंगे पॉइंट, सपोज पी पॉइंट एक्स वाई बार इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखना चाहें, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सपोज ये रुपीज है और ये पैसे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पी प्लस एक्स वाई के ऊपर बार। सो फ्रेंड, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पी प्लस एक्स वाई अपॉन 99, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों के ऊपर जो है वो बार है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड्स, 99, ये 99 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 99 p प्लस एक्स वाई अपॉन 99। सो फ्रेंड, अभी हम प्रूव करेंगे ये यहाँ पे 9 और यहाँ पे 99 और यहाँ पे 999 कैसे आ रहा है। सो सपोज हमने यहाँ पे फ्रेंड्स पॉइंट लिया 2/3, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने वही वाला पॉइंट लिया जो बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2/3 को अगर हम करें, यहाँ पे आया 0.6, ठीक है जी, अभी भी 6 आएगा क्योंकि 6 3 18 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे बार बार जो है वो वही रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.666, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, अप टू इन्फिनिटी। अभी हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इज इक्वल टू 0.6 बार। अभी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6/9 इज इक्वल टू, कट के क्या आ जाएगा, 2/3। सो फ्रेंड, अभी हम इसी तरीके से इसको प्रूव करेंगे कि यहाँ पे जो है वो 9 कैसे आया। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, उसके लिए हम सपोज करेंगे x इज इक्वल टू 0.666 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि ये ए एक्स के बराबर है, इसको हम कोई भी इक्वेशन लिख लेंगे और उसके बाद इसको ही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से, तो हमारे पास क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू
यहाँ पे 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 6.666 अप टू इन्फिनिटी, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रेंड्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, देन हमारे पास क्या आ जाएगा। सो फ्रेंड्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10x नेगेटिव x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 6.6, नेगेटिव 0.6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6। उसी तरीके से यहाँ पे आ गया हमारे पास 6, सो x इज इक्वल टू 6/9, यानी कि इसको काट के हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/3। सो फ्रेंड यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे 9 क्यों आया था, जैसे कि हमने x को ये लेके चले थे, ये 0.6666 अप टू इन्फिनिटी ये किसके बराबर आ गया, 6/9 के, जो यहाँ पे भी आ गया था। सो फ्रेंड इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो 9 ही आएगा, कोई और डिजिट नहीं आ सकता। जैसे कि हमने ये प्रूव किया है अभी, a बार इज इक्वल टू a/9 होता है 0.a बार। सो फ्रेंड इसी तरीके से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, 0.ab बार इज इक्वल टू ab/99 होता है, वो कैसे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ABC बार ABC/999 होता है, हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कैसे, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से, हमारा जो चीज़ है इसको सेटिस्फाई बिल्कुल कर जाएगी। इसी के रिलेटेड ही हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था 0.30 के ऊपर बार था, इसको सिंप्लीफाई करें, तो अभी आप कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, आप करेंगे 0.30 30 30 बार है ना, इसलिए वो रिपीट हो रहा है अप टू इन्फिनिटी। अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.30 बार दैट इज 30/99, दो बार ही रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 भी रिपीट हो रहा है और 0 भी रिपीट हो रहा है, इसलिए 99। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10/33, दैट इज द आंसर। सो फ्रेंड सेकेंड टाइप है हमारे पास इसकी मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो फ्रेंड इसमें पॉइंट के बाद कुछ नंबर जो है वो रिपीट होते हैं, कुछ जो है वो नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.ab बार, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी, यानी कि पूरी की पूरी टर्म ये वाली नेगेटिव, जो रिपीट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ए रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि ए के ऊपर बार नहीं है, अपॉन 90 90, कैसे 9 जो है वो इस बी के ऊपर बार है, ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे इसका 9 आ जाएगा, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके साथ का क्या लग जाएगा, 0। सो फ्रेंड इसी तरीके से हमने लिया है 0.abc bc के ऊपर बार, इसका क्या जाएगा फ्रेंड्स, पूरी की पूरी टर्म वैसे ही abc नेगेटिव, जो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि a अपॉन 99, यानी कि bc के ऊपर बार है 99 और 0, यानी कि a के ऊपर कोई बार नहीं है। इसी तरीके से फ्रेंड्स abc.abc, c के ऊपर बार, इसका कैसे आ जाएगा फ्रेंड्स, वैसे की वैसी टर्म abc, नेगेटिव जो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि ab/9, यानी कि c के ऊपर बार तो 9, ab के ऊपर कोई बार नहीं है तो इसका 0 0। सो फ्रेंड इसी तरीके से अभी आप निकाल सकते हैं p.ab, b के ऊपर बार। सो फ्रेंड इसको अभी हम कैसे लिख सकते हैं, p.ab, b के ऊपर बार, यानी कि ये रुपीज सपोज कर लो और ये जो है वो उसके पीछे पैसे हो गए, तो p+ab बार नेगेटिव a जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 9, b रिपीट हो रहा है 9 और a रिपीट नहीं हो रहा है, इसका क्या आ जाएगा फ्रेंड, 0। रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया था, ये है 342 के ऊपर बार, इसको अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, 42 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, उसी तरीके से 342 वही नंबर ले लेंगे, नेगेटिव 3, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव 3 अपॉन 990, यानी कि 42 के ऊपर बार है, यानी कि दो डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 9990 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 339/990 इज द आंसर। तो फ्रेंड्स इसकी थर्ड टाइप पे हमारे पास नेगेटिव रेपिटेशन होता है। वो कैसे होता है फ्रेंड्स, अगर बार पॉइंट के पहले आए देन इसका मतलब है कि वो नेगेटिव हो रहा है, मींस वो नेगेटिव रेपिटेशन हो रही है उसकी। जैसे कि ए बार डॉट बी इज इक्वल टू, ए के ऊपर बार है यानी कि यहाँ पे जो है वो नेगेटिव रेपिटेशन हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव ए प्लस डॉट बी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी के ऊपर बार डॉट सी इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी प्लस डॉट सी, यानी कि ए बी जो है वो रिपीट हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ए बी प्लस डॉट सी। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, 4 बार डॉट 2 प्लस 3 बार डॉट 1। अभी हम इसको अलग अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास ऊपर वाले को सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वही तरीके से -4 प्लस डॉट 2 प्लस -3 प्लस डॉट 1। यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या आएगा -7, यानी कि -4 -3 हो गया -7 प्लस 0.3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, सो फ्रेंड इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -6.7, यानी कि इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड इसी तरीके से हम ये भी सॉल्व कर लेंगे नीचे वाला, 5 बार डॉट 2 -3 बार डॉट 4, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा इसी तरीके से फ्रेंड्स, -5 प्लस डॉट 2 -3 प्लस डॉट 4। हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, -5 प्लस 3 प्लस -2। तो फ्रेंड इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे -2 -0.2। सो फ्रेंड इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा फ्रेंड्स, -2.2 इज इक्वल टू, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -22/10 भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड इसको हम कंबाइन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, सो फ्रेंड्स पिछला हमारे पास आंसर आया था -67/10, अभी हम इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 22/10। सो फ्रेंड नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, सो हमारे पास क्या बचा फाइनली, हमारे पास बचा 67/22, इट इज़ द आंसर। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।